नहीं दिख रहा है मैम सही। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है अभी, तो वो उस लतीफ वाला दिख रहा होगा है ना। अच्छा ये आप, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, रली लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, मतलब जो इसमें कौन सा वाला सेट है पता नहीं, लेकिन उसमें है कि जैसे उमूर तवैया आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट। इसमें कहा पहला में कि अरकान मिजाज अखलात, फिर दूसरे में नब्ज बौल उबराज, फिर तीसरे में कुबा अफाल, और चौथा में है मिजाज एंड कैफियात, और पांचवें में है आजाए बदन वल्ली। तो इसका जो है इन्होंने पूछा था कि उम्र तवैया 10 जल में से सही ऑप्शन कौन सा है चुनना है। ठीक है, और ऑप्शन दिया था जैसे कि सिर्फ ए या ए एन डी, ए एन सी, ई एन डी, इस तरह से था। ठीक है, तो इसमें क्या अरकान मिजाज अखलात वाराफार, ये उम्र तवैया है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कहीं पे भी, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला जो मैंने आप लोगों से पूछा था ना, कि जैसे पूछ दे कि असबाब मादी कौन कौन से हैं, असबाब मादी में ए ऑप्शन में कर दे कि अरकान मिजाज, एक में कर दे अरकान अखलात आजा, फिर एक में कर दे अरकान और अरवा, इस तरह से बना सकता है, जिस तरह से इसमें क्वेश्चन था मल्टीपल है ना ऑप्शन करके, मल्टीपल ऑप्शन से क्वेश्चन वो बन सकता है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि देखेंगे क्वेश्चन। तो कुछ आइडिया लगा आपको जो आपने देखा तो? सही है, ऐसे तो करके याद करेंगे और ऐसे करके बनाएंगे क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये फिर से आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे ताकि थोड़ा भी आप लोग एहसास हो तो आप लोग पढ़ें खुद से, रिक्वेस्ट इसलिए मैं कर रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, स्क्रीन तो दिख रहा है, तो पेज नंबर 32 तारीखी मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तिब का तारीखी खाका, ये आप पढ़ेंगे। इसमें से कुछ कुछ चीजें जो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूछूंगी है ना, तिब का बानी कौन है, या फिर अदविया के बारे में किसने बताया अच्छे से सही सिस्टमिक तौर पर, या फिर ये कहेंगे तसरीह के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इल्मुल तसरीह है वो किसने बताया, या फिर किसी बुक के बारे में मैं पूछ दूंगी जैसे किताबुल तसरीह के राइटर कौन है ना, फिर दस हिकमत के राइटर कौन, ये आपका आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कोई बुक का नाम दे दिया और पूछा गया उसमें कि उसके राइटर कौन से हैं, उसके मुसन्निफ कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये इसमें से निकालेंगे क्वेश्चन खुद आप लोग। ठीक है, ये आप लोग का है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें से पॉइंट्स निकाल निकाल के अपने कहीं नोटबुक में लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 39, विजिबल हो रहा है? ठीक है, उमूर तवैया, उमूर तवैया इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। तो यूनान के जो हुकूमत थे उनका जो नजरिया था कि उमर उमूर तवैया, उमूर मतलब तो उमूर हुई अरकान होता है इसका मतलब, मतलब अरकान लसेस की वो अरकान नहीं, एलिमेंट वाला अरकान नहीं, मतलब उमूर, उमूर का जो लफ्जी तर्जुमा होता है वो अरकान होता है। अभी उमूर को डिफाइन करना छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये बताइए उमूर तवैया यानी वो चीजें जो तबीयत से ताल्लुक रखती है उनको उमूर तवैया कहते हैं। ठीक है, और इन उमूर से ही क्या होता है, बदन इंसान, जो इंसान का बदन है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, बनने के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। अब इन उमूर में से अगर एक चीज भी अगर हटा दिया जाए तो बदन इंसान जो है वो बाकी नहीं रहेगा, यानी कि वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना जरूरी है किसी इंसान के बदन के बनने के लिए, उसको सलामत रहने के लिए। तो ये उमूर क्या है, उमूर तवैया, ये टोटल कितने 7 है आप लोगों को बखूबी पता होगा। ठीक है, अरकान मिजाज अखलात आजा अरवा कुबा अफार, ये क्वेश्चन पूछ चुका, उमूर तवैया किस पर डिपेंड होता है 2020 में पूछा है, फिर भी इसको आप याद करेंगे, कभी भी पूछ सकता है तो बहुत बेसिक, लेकिन क्वेश्चन बनते रहते हैं हमेशा। अब है तबियत, तबियत के बारे में भी जानना जरूरी है, तबियत क्या है एक्चुअली में, तबियत तबियत हम लोग बार बार सुनते हैं, तो तबियत क्या है, एक कुवत है। ठीक है, एक पावर है, वो क्या करवाता है, जो हरकत व सुकून कराता है, यानी कि हमारे जिस्म में हरकत रहे, सुकून रहे, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरे बॉडी को रेगुलेट करवाता है ये तबियत।
ठीक है, तो क्या कहता है, ये हरकत व सुकून का को ओरिजिन करवाता है। उसके अलावा ये सात उमूर को तबीयत की तरफ मतलब निस्बत दिया गया है। क्यों कहा जा रहा है कि ये जो सातों उमूर है, ऊपर जो दिया गया था अरकान आजा वाला, है ना, अरकान मिजाज अखलात आजा वाफाल, इनको तबीयत से क्यों कनेक्ट करते हैं? तो इसकी वजह यह है कि तबीयत क्या है, मुदब्बर बदन है, यानी कि बदन के अंदर तदबीर करता है, तबीयत तदबीर करती है तबीयत, ठीक है। और ये उमूर बदन के क्या है, वो अज्जा है, यानी जो ऊपर सातों उमूर जो है, उम्र तवैयस को इसलिए कहा जाता है, उसको तबियत से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि तबियत क्या है, हमारे बदन को के अंदर तदबीर करता है, ठीक है। और ये जो उमूर है वो क्या करते हैं, बदन बनाते हैं, यानी कि बदन बनाने वाले वो सातों उमूर है, उसको मेंटेन करके रखने वाली क्या है, तबियत है, इसलिए इसको हम उम्र तवैया कहते हैं। इसमें से कुछ उम्र क्या है, अज्जाए मादी है, जो सातों उम्र में से कुछ अज्जा जो है वो मादिया है, जिनसे क्या होता है, बदन का वजूद बिल्कुवा कायम होता है, यानी कि वजूद होता है उसका, बनता है बदन, बनता है, जैसे शुरू में था ना असबाबे मादिया, उसी तरह ये चीज है कि मादी अज्जा जो बदन को बनाता है, कायम रखता है, जैसे कि अरकान है, अखलात है, अज्जा है, अरवा, उसमें से कुछ जो है वो बदन के लिए क्या है, अज्जाए सूरी है, अज्जाए सूरी यानी मिजाज। ये आपको असबाब वाले में हमने बताया था कि असबाब सूरिया, इसी तरह अज्जाए सूरिया, यानी कि ये क्या है ना कि बदन के अंदर क्या करता है, सेहत कायम करके रखे, या फिर अगर मर्ज है तो मर्ज हो उसकी एबनॉर्मलिटी से, उसमें चेंजेस आए तो उसे मर्ज हो, ये तो अज्जाए सूरी मिजाज है। और ये जो है इन दोनों में, यानी मिजाज में और अरकान अखलात आजा अरवा, जो बदन का मादी अज्जा है, उसमें जो रथ कायम करते हैं वो क्या है, कुवा और अफाल है, यानी कुवत से, अगर कुवत सही है इसका मतलब कि उसका मिजाज दुरुस्त होगा, अफाल सही चल रहा है इसका मतलब है कि उसका मिजाज दुरुस्त होगा, ठीक है। बस इन इनका ताल्लुक चूंकि बदन से है, और इसलिए जो है इनको क्या कहते हैं, जो उमूर तवैया है उनका दूसरा नाम उमूर बदनिया भी हो गया, ठीक है। उमूर तवैया भी कह सकते हैं इसको, उमूर बदनिया भी कह सकते हैं इसको, जो सातों उमूर है, ठीक है। यहाँ से एक टर्म निकल गया उमूर बदनिया, ये क्वेश्चन बन सकता है कभी कि उमूर तवैया की जगह पे उमूर बदनिया लिख दे तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखा जाए तो तबियत का जो तस्वर है, सिर्फ हमारे जो है हकीम जो कदीम जमाने के, उन्होंने ही नहीं कहा, बल्कि आज के जमाने में यानी यूरोप के जो डॉक्टर थे उनका भी मानना था, वो भी तबियत को मानते थे। और तबियत का तर्ज उन्होंने जो डिफाइन किया उसको, उसको जो ट्रांसलेट किया वो फिजिक से किया, तबियत को फिजिक कहा उन्होंने, इसी इस्तलाह से जो है उन्होंने फिजियोलॉजी या फिजिशियन जैसे टर्मिनोलॉजीज निकाले, इस्तलाहात बनाए। तबियत क्या है, ताकत है, एक तो पहले क्या है, तबियत क्या है, वो एक हरकत व सुकून पैदा करने वाली चीज है। तबियत क्या है, मुतबर बदल है। उसके अलावा तबियत क्या है, तबियत एक ताकत है, कि तबीयत क्या है, तबीयत ताकत है, जो बदरी इंसान की इस्लाह व फला करती है, यानी इस्लाह का मतलब ठीक करना, फला मतलब उसका भलाई करना, ठीक और भलाई के लिए, है ना, क्या करता है, तबीयत क्या एक तरह की ताकत है, जो बदरी इंसान को दुरुस्त रखे, सेहतमंद रखे, फंक्शनल रखे, उसके लिए क्या करती है ये, मतलब सही रहे उसके लिए अफाल अंजाम देती है। यानी कह सकते हैं तबियत के यहाँ तीन पॉइंट निकलता है, एक तो वो हरकत सुकून पैदा करती है, दूसरा तबियत जो है वो मुदब्बर बदन है, तीसरा तबियत क्या है, तबियत जो है वो अफाल अंजाम देती है, ताकि हमारा जो बदन इंसान जो है वो सही और सलामत रहे। मर्ज की सूरत में तबियत क्या करती है, वही जो है एक मालिश का काम करती है, यानी ट्रीटमेंट देने का काम करती है, डॉक्टर का काम करती है। तबियत ही जो है उसका काम क्या है, मर्ज को मुदाफियत करना यानी दूर करना, ठीक है। तबीब का काम क्या है, सिर्फ हम तबियत की हेल्प करते हैं, मुआवनत करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, तबियत के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप तो कोई भी बता सकते हैं। तो तबियत क्या है, तबियत जो है वो, आप में से कोई जवाब देंगे इसका, कुछ समझ में आया, तबियत क्या है, आप में से कोई बताएंगे, तबियत क्लियर हुआ क्या है? पहला मैम लास्ट पैरा फिर से समझाइए ना। वाला पहला बता दीजिए, मैं लास्ट समझा दूंगी आपको, स्क्रीन दिख रहा है, देख के ही बताइए, ऐसा नहीं कि हम आपको अंदाजे पूछ रहे हैं, देख के समझ के बताइए मुझे, तबीयत क्या है, समझ में आया? मैम तबीयत एक कुवत है जिसकी वजह से हम लोगों को हरकत और मतलब सुकून में
हम लोग के बॉडी में हरकत और सुकून को पैदा करती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आगे बताइए। और इसका इसमें उमूर अज़्ज़ा मादिया नहीं नहीं उस वो प्रेजेंट नहीं है होता है। तबियत, वो तबियत वो नहीं है, तबियत मुदब्बर बदन है, हरकत व सुकून पैदा करती है, वो मुदब्बर बदन है यानी कि तदबीर करती है बदन के अंदर में। अब ये आगे उन्होंने ये उमूर तवैया को समझाने की कोशिश की थी। अब उमूर तवैया ही टर्म क्यों लिखते हैं उसके लिए, जो सातों उमूर दिया गया है, अरकान, अखलात, आजा, अरवा, मिजाज या जो भी चीजें हैं सातों, तो उनको हम उमूर तवैया क्यों कहते हैं, उसको वो डिफाइन करने की कोशिश की उन्होंने कि एक्चुअली में तबीयत क्या है, बदन की तदबीर करती है, और बदन किन चीजों से बना होता है, जो उमूर तवैया सातों दिया गया है उनसे बना होता है। अब उन सातों को डिफाइन किया, कुछ उसमें से मादी है यानी कि बनाने वाला है, कुछ उसमें रक्त पैदा करने यानी उसको फंक्शन कराने वाला है, कोई उन दोनों के बीच का है, ठीक है, ये उस तरह से समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने ये बताया है कि तबियत जो है तीसरा पॉइंट, तबियत के बारे में अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि तबियत क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है उसमें, तबियत क्या है ऐसे करके, हरकत व सुकून का ओरिजिन कराने वाला, तबियत मदब्बर बदन, या तबियत जो है वो हमारी बॉडी का, यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि तबियत एक तरह का ताकत है, कुवत है, ताकत कुवत एक ही चीज है ना, ताकत है जो इंसान के अंदर क्या करती है, फंक्शन करवाती, जो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी होता है हमारे बॉडी के अंदर में, वो सारा का सारा काम करती है तबियत। यानी कि यहाँ से तीन पॉइंट बनता है, तबियत हरकत व सुकून को ओरिजिन कराने वाली चीज है, तबियत जो है हमारे अंदर तदबीर यानी मदब्बर बदन है, तबियत क्या है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है वो करवाती है ना। उसके अलावा चौथा पॉइंट है कि ये मर्ज को ठीक करने वाला असल जो मुआलिज, मुआलिज का मतलब डॉक्टर होता है ना, असल मुआलिज कौन है, तबियत है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया पॉइंट लास्ट वाला, यानी कि हम जो है तबीब यानी डॉक्टर, हम जो तबीब है हम तबियत को हेल्प करते हैं, हम मर्ज को ठीक नहीं करते, हम आज यूनानी कॉन्सेप्ट से इलाज करते हैं अगर, तो हम तबियत को सपोर्ट करते हैं, तबियत खुद ठीक करती है वो मर्ज को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कोई कोई मर्ज बिना इलाज के भी ठीक हो जाती है, तो कैसे ठीक हो जाती है, वो तबियत ठीक करती है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया तबियत के बारे में कि क्या है। पेज नंबर 4-1, ये हकीकत वाज़ह है कि बहुत से अमराज दवा की मदद के बगैर भी, देखिए इन्होंने यही चीज डिफाइन करने की कोशिश की है कि बिना तबियत के भी, बिना दवा के भी कुछ बीमारी ठीक हो जाती है ना, वो क्या क्यों होती है, वो तबियत की वजह से होती है, तबियत खुद उसे ठीक कर देता है, दूर कर देता है मर्ज को, जैसे किसी को जख्म हो गया मामूली सा, खांसी है, नजला, ये सब ठीक हो जाती है, ठीक है। गर्ज ये कि बदन के अंदर तदबीर इस्लाह का सारा काम, तदबीर जो भी ठीक करने का तदबीर, फिजियोलॉजी का तदबीर, सारा तदबीर कौन करती है, तबियत करती है। अब ये सोच लो ना, ऑल इन ऑल जो कहते हैं सर्वे सर्वा क्या है, वो है तबियत, सारे काम हमारा फिजियोलॉजी वो कराती है, हमारे बदन में सब ठीक ठाक रहे वो उसका देखभाल तबियत ही करती है। तो यानी कि तदबीर व इस्लाह के सारे काम, यानी इस्लाह नहीं है, इस्लाह होना चाहिए तो हटा दीजिए, इस्लाह के सारे काम क्या करती है, तबियत करती है, इसी के जिम्मे है, और यही वो ताकत है जो उन असबाब का मुकाबला करती है जो मर्ज का सबब बने, यानी कि हमारा जो कहते हैं ना जो मर्ज कॉज करने वाले जो असबाब हैं उसका ये उसको डिफेंड करती है, उसका मुकाबला करती है कि नहीं तुम्हें मर्ज पैदा नहीं करने देंगे, है ना। जब ये ताकत, यही ताकत यानी तबियत जो है वो ताकतवर है, वो ताकत होती है उसके अंदर में, वो अपने ताकत से असबाब का मुकाबला करती, डिफेंड करती है, अगर वो कमजोर पड़ जाए तो फिर क्या होता है कि मर्ज जो है, एक तो मर्ज पैदा हो जाती है, अगर मर्ज पैदा हो भी गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, दुश्वारी होती, इसी वजह से जब तबीयत कमजोर होती है, यानी हमारा जो है कहते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कराने वाली चीज क्या है, वो तबीयत है। नॉर्मल हालत में भी मर्ज की हालत में अगर मर्ज हो गया है तो उसको मर्ज ना हो रोके उसके लिए भी तबीयत काम करती है, अगर हो गया है तो उसको दफा करने के लिए, दूर करने के लिए भी तबीयत काम करती है, ठीक है। अमराज से जिस्म को बचाने के लिए जो कुवत काम करती है उसको हमारे यहाँ मॉडर्न साइंस जो अब मान रहे हैं, मॉडर्न साइंस क्या मान रहा है इसको, कुवत उस कुवत को क्या मान रहे हैं, मनाअत यानी इम्यूनिटी मान रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ इम्यूनिटी एक है ना कि सिर्फ डिजीज से प्रोटेक्ट करना है ना, लेकिन हमारा जो तबियत ये ब्रॉड सेंस में आता है, सिर्फ तबियत जो है डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि हमारे बॉडी को पूरा फंक्शन उसका करवाता है, उसको जो है हरकत और सुकून देता है, यानी कि एक ब्रॉड सेंस में तबियत आता है। तबियत का एक छोटा सा एक काम है मनात का यानी इम्यूनिटी का, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, ये तो मॉडर्न एस्पेक्ट से दिखा दिया कि जरासीमा या किस तरह से उसको कमजोर किया, ये सब आप समझेंगे, एंटीबॉडी बना और क्या बना ये समझ गए है ना, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसमें एक टर्म है यहाँ पे इलाज एहसान मिसलुद्दम,
ये जो कहते हैं तिब में एंटीबॉडीज कहा जाता है, ये ऐसा इसमें दम में पैदा होता है, सीरम के अंदर में, ये सब के बारे में कहा जा रहा है। इसको पढ़ेंगे आपको, मॉडर्न एस्पेक्ट से फिजियोलॉजी का है, इसे खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पेज नंबर 42 में ये थर्ड लाइन जो है, थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यूनानी हकीम बकरात के उस उसूल पे, यानी कि ये उनका मानना था। अच्छा यहाँ से ही पढ़ लेते हैं, नजरिए तबियत के हामी कदीम फिलासफा के अलावा जदीद वाले लोग भी मानते थे, ठीक है। यूनानी हकीम बकरात के इस उसूल पर मेरा ईमान है, इन्होंने इनका जो ये कोटेशन है, इस कोटेशन को भी पढ़ देख लेंगे, जनरली पूछा नहीं अब तक, कभी भी कभी पूछ सकता है। ये जो जदीद फिलासफा इसके हामिल थे, यानी कि जो नफ्सियात, माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजी के डॉक्टर थे ये, नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेल्फ्रेड, उनका मानना था, ठीक है, उनका यही मानना था जो बकरात क्या उसूल इलाज था। हमारा क्या, हमारे जो बकरात के कदीम हकीम थे, उनका जो जैसे कॉन्सेप्ट है ना, कहते अरकान अरबा, उसके अलावा अखलाक पे होता है, फिर उसके बारे में कहते कि तबीयत पे फंक्शन, तबीयत के फंक्शन से है जो है मर्ज ठीक होता है या हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी होता है, वो उनको जो मानते थे हमारे हकीम, उन पे उसका ईमान था, यानी उसको उन्होंने कोट किया है। ये चीज आप लोग खुद ही ऐसे देख लेंगे, ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तबीयत तो सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बताएंगे किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, मैं अभी समझा दूंगी, ठीक है। तो वहां से जो निकला ना, वो उम्र तवैया 7 है, दूसरा की तबियत के क्या फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है वहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा उसमें से बताया गया कि जो बदन के अज़ा हैं, जो उमूर हैं, जो बदन को बनाते हैं, उसमें से कौन सा सूरी है, कौन सा मादी है, ठीक है, ये समझ लेंगे वहां से एग्जाम में। उस तरह से क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस वाला वहां से। अब है अरकान, अरकान का दूसरा जो नेम है वो क्या क्या है, अनासी और उस्तुकुस्सात, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अरकान क्या है, सिंगुलर या प्लुरल है, आप लोग मुझको बताएंगे, ये जो अरकान वर्ड है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है? मैम प्लुरल है, तीनों ही प्लुरल है ना, तो इसका सिंगुलर को बताएंगे आप में से। रुकन की जमा है, वेरी गुड। अनासिर, अंसुर की जमा अनासिर है, उस्तुकुस्सात इसका नहीं मालूम, उस्तुकुस हो जाएगा, अलीफ सीन तो काफ और सीन, उस्तुकुस, अलीफ अत हटा दीजिएगा, उस्तुकुस। मैम इसके माने क्या होते हैं? उस्तुकुस का मतलब भी वही होता है जो अरकान का और अनासिर का होता है, ठीक है। रुकन का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं ना कि वो चीजें जो जिससे कोई चीज बना होता है। अनासिर का मतलब होता है सतून के बारे में कहते हैं ना, और उस्तुकुस का मतलब होता है कि जो कोई भी जो दुनिया की चीजें बनी हुई है उसको जब हम कहते हैं, उसको जब तोड़ेंगे डिसॉल्व होगा तो वो वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा, जो एक मतलब बटेगा तो वो एक जैसा होगा, वही मीनिंग एक ही है, सिनोनिमस है आपस में, मतलब एक ही मानी का तीन वर्ड है, होता ना कहता है सिनोनिमस वर्ड होता है ना, इसमें बोलते हैं है ना, सिनोनिमस वर्ड है ये, अरकान अनासिर उस्तुकुस सब एक ही है, अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो अरकान को अनासिर भी कहते हैं, उस्तुकुस्सात भी कहते हैं, इन्होंने साफ यहाँ लिख दिया है कि उस नाम से भी उसको मौसूम किया जाता है। अब ये क्या है, अरकान क्या है या उस्तुकुस्सात क्या है, तो वो बसीत व मुफर्रद, बसीत का मतलब होता है सादा, मुफर्रद का मतलब होता है सिंगल, यानी वो सादा और सिंगल मादा है जिससे क्या है कि जो बदन इंसान के लिए क्या है वो एज़ाए अवलिया है, यानी कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, स्टार्टिंग जिससे होता है, जिससे वो बनता है इंसान, उसका सबसे जो अव्वल वाला अज्जा है वो है अरकान, और जिनका ऐसे मादों में मुनकस्म होना मुमकिन नहीं, जिनकी सूरतें और माहियतें, यानी माहियत का मतलब यहाँ पे कि उसके अफाल और उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी खा फास मुख्तलिफ हो, यानी कहने का मतलब है कि अरकान एक्चुअली में वो सादा चीज है, सिंपल चीज है,
जिसके जो अगर पार्ट को देखा जाए, जैसे कि इंसान बनता है, बदन इंसान बनता है, और वो अगर उसको उस मादे को देखा जाए, अगर उसको अगर तकसीम करना चाहे इंसान उसको, तो उसका नामुमकिन है, क्योंकि वो जितना भी उसको पार्ट करिएगा वो एक ही चीज होगा, उसकी सूरत भी वही होगी, उसकी अफालो खास भी वही होंगे, यानी मुख्तलिफ चीजों से मिलके नहीं बना, वो एक ही चीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अरकान के आपस में मिलने यानी बाहम मिलने और तरकीब पाने से क्या बनता है, दुनिया की हर चीजें यानी कायनात की हर चीज बनती है अरकान से ही, इसको मवालिद सलासा कहते हैं। मवालिद सलासा क्या है, दुनिया की जो डिफरेंट स्पेसीज है, मुख्तलिफ अनवा है, वो क्या है, मवालिद सलासा है। मवालिद सलासा में हैवानात, जमादात और नवादात है। ठीक, ये आपको इन सिंपल जो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, मवालिद सलासा क्या है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं लेकिन पूछ भी सकता है, मवालिद सलासा क्या है, हैवानात, जमादात, नवादात। ठीक है, उसके डेफिनेशन से भी, अरकान के डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो अरकान है वो क्या कहते हैं, वो कैसे हैं, बसीत हैं, मुफरद हैं या कंपाउंड है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन निकल सकता है, यानी हमारे ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे बॉडी के बनाने के लिए। अब है अनासिर के मुतालिक जो है हुक्मा का, सबका अलग अलग सबका मानना था कि कौन से अंसुर से या अनासिर से जिस्म बना है, उसके बारे में सबका अपना अपना मानना था। तो सबसे शुरू में था, ये सब याद रखेंगे, कौन सा ग्रो कौन से अंसुर को मानता था। ठीक है, टाइम अपग्रेड आपका रनिंग आउट हो रहा है, 10 मिनट से कम है, तो बस मैं मोटा मोटी बताती हूँ और आप लोग को जिम्मेदारी देती हूँ कि आप लोग को याद करना है एक अंसुर के मानने वाले या दो अंसुर के मानने वाले या तीन या चार अंसुर के मानने वाले कौन कौन से ग्रो थे। ठीक है, उसको याद करिएगा आप लोग, इस क्लास में पूछूंगे, अभी जब तक मैं बताती हूँ जितना हो सके। ठीक है, एक अंसुर के मानने वाले थे जिसका एक ग्रो जो है बुखार को, यानी पहला ग्रो जो था वो बुखार यानी वेपर को वही मतलब सिंगल अंसुर मानते थे, उनका मानना था कि सब दुनिया की हर चीज एक अंसुर से बनी है, वो है बुखार। दूसरा वाले थे जो मिट्टी को मानते थे, तीसरा वाले नार को, चौथा नार यानी आग, चौथा मा यानी पानी को, पांचवा जो थे वो मानते थे कि हवा ही है जो जिससे कि पूरे इंसान या जो भी दुनिया कायनात की हर चीजें बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा था यानी कि पांचों, ये जो ऊपर पांचों दिए गए हैं एक से पांच, ये पांचों ग्रह जो है एक ही अंसुर के मानने वाले थे, कि उनका कहना था कि दुनिया की सारी चीजें एक इन्हीं अंसुर से बना है, उसमें बस इस्तहाला हो जाता है, यानी कुछ मेटाबॉलिज्म होते हैं, चेंजेस होते हैं, सूरत चेंज होकर अलग अलग चीजें बनती है, क्योंकि सिर्फ देखा जाए आग से हर चीज तो नहीं बन सकता ना, कि उनका मानना था कि आग में या फिर मिट्टी में या जो जो मानते थे उसमें कुछ इस्तहाला या तब्दीली होती है और उससे जो है होके ही कुछ बनता है दूसरा। अब दो अनासिर वाले कौन कौन थे, छठा गुरु और सातवा गुरु और आठवा गुरु थे, ये तीन थे, उनका मानना था कोई पहले छठा वाले थे उनका मानना था कि नार और अर्ज, सातवें वाले के थे कि अर्ज और माँ, और आठवें वाले का मानना था कि हवा और अर्ज, ये एन वाला नहीं होगा अल्ली वाला होगा अर्ज, पेज नंबर 4-4 में करेक्ट कर लेंगे, अर्ज मिट्टी के ही आएंगे ना। हाँ, ये एन वाला नहीं होगा, अल्लीफ वाला होगा, अल्लीफ रेज वादू मिस प्रिंटिंग उसमें इस किताब में आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, उसको ध्यान देना, करेक्ट कर लेना, इसको अल्लीफ वाला अर्ज कर लीजिए, एन काट दीजिएगा। ठीक है, तो ये दो दो वाले के मानने वाले थे। ठीक है, इनका मानना था कि दो चीजों से मिलकर दुनिया की हर चीजें बनी है। तीन अनासिर वाले थे जिसमें नौवां गुरु थे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, पहला दूसरा वाले से क्वेश्चन अब तक मैंने उतना नहीं देखा कहीं भी, अभी तक मेरे नजर से नहीं गुजरी है, शायद स्किप कर गई हो, आप लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा उठाइए, प्रिपरेशन में आपको एक क्या कहते हैं, एक व्यू मिलेगा, रास्ता मिलेगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं क्वेश्चन पेपर पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये पहला और दूसरा वाले का क्वेश्चन अब तक उतनी नहीं आई है, एक आध दो वाले में से आई होगी मुझे याद नहीं है फिलहाल, आप लोग सर्च करेंगे। तीन अनासिर वाले से क्वेश्चन पूछा है कि तीन अनासिर में नौवा ग्रो थे जिनका मानना था कि नार, हवा और अर्ज, ये तीन असली अनासिर हैं। अब पानी उनके नजदीक क्या था, पानी के बारे में उनका कहना था कि ये हवा से, हवा की जो शक्ल बदलती है, सूरत बदलती है, तो उससे जो है पानी बन जाता है। और उसके अलावा दसवा ग्रो भी वो भी थे जो तीन चीजों को मानते थे, जिसमें हवा, माँ और अर्ज, ये तीन अनासिर है। और आग उनके सामने क्या था, तो उनका मानना था कि हवा में बहुत ज्यादा शरीर हरारत हो जाती है तो वो आग बन जाता है, ये यानी कि नौवां दसवां ग्रह का मानना था। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ग्यारहवां ग्रह है। ठीक है, तीन अनासिर मानने वाले में से ग्यारहवां ग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा है,
ग्यारहवा कौन सा गुरु है, या ये कहें कि तीन अनासिर मानने वाले वालों को क्या कहा जाता है, तो कीमियादान, ये कीमियादानों का यानी जो केमिस्ट थे, कीमियादान थे, उनका अकीदा था कि दुनिया की हर चीज, ये कौन सा था, ग्यारहवा गुरु था, उनका मानना था कि दुनिया की सारी चीजें, कायनात की सारी चीजें दुहन यानी रोगन मिला मतलब नमक और किबरियत यानी गंधक, ये तीन चीजों से मिलकर बना, ये इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चार अनासिर है, क्योंकि चार अनासिर पे बेस्ड ही है हमारा सारा यूनानी कॉन्सेप्ट, दुनिया की हर चीजें और इंसान जो है वो चार अनासिर से मिला के बना है। तो इसमें बारहवा ग्रोह थे, ये याद रखेंगे कौन सा बारहवा ग्रोह, कौन उनको क्या कहते हैं, उन ग्रोह को फिलासफर मशाइन कहते हैं। उनका क्या माना था, अनासिर अरवा यानी चार अनासिर जो है वो यानी नार, मा, हवा और अर्ज यानी आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये चार अरकान है जिनसे दुनिया की हर चीजें इन चारों से मिलकर बनी होती है। फिलासफा मशाइन में से कौन कौन थे, अरस्तु थे, अरस्तु ने सबसे, ऐसे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछते तो जनरली यही से आपको देंगे, तो अरस्तु के बारे में, लेकिन ऐसे कहा जाता है अविंद कलीस, अविंद कलीस एक थे फिलोसफर थे, अविंद कलीस, ठीक है, अविंद कलीस इस किताब में नहीं मिलेगा, वो आगे जब पढ़ेंगे आप पीजी लेवल पे जाएंगे तो पता चलेगा उनका, वो उन्होंने सबसे पहले नजरिया दिया था अरकान अरवा का, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस किताब में जैसे लिखा है उससे ही एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछते हैं, इसलिए हम इसको ही फॉलो करते हैं। तो अरस्तु, उन्होंने सबसे पहले अनासिर अरवा का नजरिया पेश किया, और बुकरात ने तिब की बुनियाद डाली, और हमेशा कोई पूछता है तिब की बुनियाद अरकान अरवा पे जो डाली, किसने डाली, बुकरात ने। यहाँ से क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन बनेगा, एक तो बारहवा गुरु जो अनासिर अरवा को मानते थे, दूसरा क्वेश्चन फिलासफा मशाइन जो थे वो थे बारहवा गुरु की जगह फिलासफा मशाइन करके पूछ दे, तीसरा पूछेंगे कि अनासिर अरवा का नजरिया किसने पेश किया, अरस्तु ने, फिर पूछेंगे कि तिब की जो बुनियाद है वो अनासिर अरवा, यहाँ से कि तिब की बुनियाद किस पे है, अनासिर अरवा पे। अब पांचवा क्वेश्चन बनेगा कि तिब की बुनियाद जो अनासिर अरवा पे किसने रखी है, बकरात ने, और इसका जो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो हाँ ये तो पांच छह क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है पांच अनासिर वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें जो पांच ग्रोह वाले हैं वो तेरहवा है, पांच अनासिर वाले जो है वो तेरहवा ग्रोह है, और ये अनासिर अरवा के अलावा जो एक पांचवा जो अनसुर था उनका वो मानते थे असीर, असीर का मतलब होता है आकाश, ठीक है, संस्कृत वर्ड में आकाश, तो वो असीर को भी मानते थे। यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे कि तेरहवा ग्रोह, उसके अलावा ये अनासिर अरवा के अलावा इसमें एक असीर वर्ड या फिर आकाश वर्ड लगा के बना दें, ये कहाँ पांच अनासिर के मानने वाले थे, ठीक है, इनके बारे में हो गया। अब है चौदहवा ग्रोह, ये भी क्वेश्चन पूछता है, चौदहवा ग्रोह है अनासिर असीरा यानी कि कसीर, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अनासिर के मानने वाले कौन थे, तो चौदहवा ग्रोह थे, यहाँ से क्वेश्चन एक। दूसरा क्वेश्चन, अनासिर कसीरा के मानने वाले कौन थे, असहाब खलीद, ठीक है, उनका मानना था असहाब खलीद जो थे वो कहते थे कि दुनिया की हर चीजें अनासिर कसीरा से मिलकर बनी है, और इनके हिसाब से अनासिर की तादाद बहुत ज्यादा है यानी उसका कोई हद नहीं है। उसके अलावा उनका मानना था कि अनासिर खालिस सूरत में तकरीबन पाए ही नहीं जाते, यानी उनका एकदम प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि जो कायनात की सारी चीजें जो है वो मिली जुली होती है यानी मुरक्कब हुआ करती है, खलीद का मतलब होता है मुरक्कब, मिला जुला, यानी कि जो अनासिर कसीरा के मानने वाले थे असहाब खलीद, उनका मानना था कि दुनिया की हर चीजें जो है वो मिली जुली चीजों से मिलकर बनी होती है, मतलब मिक्सचर से बनी होती है यानी मुरक्कब से बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ से बनता है कि फिलासफा मशाइन किसको कहते हैं, तो जो घूम फिर कर तालीम देने वाले फिलासफा है उनको कहते हैं। अब उनका मानना क्या था, उनका मानना था कि जितने भी आलम, आलम कौनो फसाद, आलम मतलब हो गया दुनिया, कौनो फसाद का मतलब होता है कौन मिस बनना, फसाद मिस बिगड़ना, यानी जो चूंकि आलम में कहते हैं ना कि पूरे दुनिया में बनता और बिगड़ता रहता है, उसमें उनका मानना है फिलासफा मशाइन का कि जो दुनिया है, दुनिया की जो बनने और बिगड़ने वाली जो दुनिया है हमारी, उस दुनिया में चार कैफियत पाई जाती है, चार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैफियत से क्वेश्चन पूछता ही है हर हाल में, अक्सर पूछ देता है, तो चार कैफियत कौन से हैं, हरारत, बुरुदत, रुतुबत, यबूसत, ये कैफियत आज स्टार्ट हुआ है और ये आपको उसूल इलाज तक में ये बार बार आपका सबका पड़ेगा, इससे हरारत, बुरुदत, रुतुबत, यबूसत, ठीक है, ये उनका मानना है फिलासफर मसाइन की दुनिया में जहां बनता बिगड़ता रहता है वहां सिचुएशन, वहां पे चार कैफियत पाए जाते हैं, हरारत, बुरुदत, रुतुबत, यबूसत, ठीक है। इन कैफियत में यहीं तक हम रहने देते क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आप ये याद रखेंगे चार कैफियत कौन है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी ये सब सवाल आप लोगों से, रिवाइज करके आएंगे, वरना फिर क्लास लेने से कोई मकसद, कोई हासिल नहीं होने वाला, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए।
तो यहाँ पे सारे आप लोगों को ग्रुह का याद रखना चाहिए कि कौन सा ग्रुह कौन सा मानता था, उस ग्रुह में कौन कौन थे, अगर जिसमें नाम दिया हुआ है वो उसका, जो जैसे 14वां ग्रुह का नाम असहाबे खालिद है, है ना, 12वां वाले का क्या है, फिलासफर शाइनिन है, उसमें कीमियादान है, 11वां वाले में ऐसे याद रखेंगे। उसके अलावा आप जो है इसके बारे में हरारत, बुरुदत, रतुबत, यबूसत, कैफियत, उसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को किसी को भी कोई इश्यू कंफ्यूजन है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी से ही आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम Thank you.